हरिओम, मैं कुमारी नमिता। आज मैं कक्षा अष्टम का पाठ अंतरिक्ष यात्रा पढ़ाने वाली हूँ। अंतरिक्ष यात्रा के विषय में बताने वाली हूँ। अंतरिक्ष विज्ञान एक व्यापक शब्द है जो ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों का वर्णन करता है तथा सामान्य तौर पर इसका अर्थ है पृथ्वी के अतिरिक्त तथा पृथ्वी के वातावरण से बाहर का अध्ययन करना। अब हम प्रस्तावना देखेंगे कि यह पाठ निबंध विधा में लिखी गई है। इस पाठ में अंतरिक्ष से संबंधित अनेक जानकारियां दी गई हैं। अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। इस पाठ के पहला बिंदु है विस्तृत आकाश में घूमते हुए विविध प्रकार के ज्योति पिंड बरबस हमारा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, यानी आकाश में विविध प्रकार के ज्योति पिंड जो घूमते रहते हैं वह हमारा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। दिन में यदि चमकीला सूर्य पृथ्वी को आलोकित करता है तो रात में शीतल चंद्रमा और अगणित तारे आकाश को जगमगा देते हैं। यह आकाशीय पिंड अनंत काल से मनुष्य के कौतूहल और जिज्ञासा के केंद्र रहे हैं। इन्होंने वैज्ञानिकों और कवियों को समान रूप से आकृष्ट किया है। मनुष्य सदैव यह जानने को उत्सुक रहा है कि आकाशीय पिंड क्या है, यह क्यों चमकते हैं, इनकी जलवायु कैसी है, वहाँ प्राणी है या नहीं। इन जिज्ञासाओं को लेकर इन नक्षत्रों की यात्रा करने की बात लोगों के मन में आई होगी, तो लेखक ने यहाँ उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक अंतरिक्ष यात्रा पर निबंध लिखा है। पहले हम अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे। दूसरा बिंदु है वायुमंडल के चारों ओर वायुमंडल है जो लगभग 600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, यानी 600 हमारे पृथ्वी से ऊपर 600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जो लगभग 600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। यह वायुमंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेकर जीवित रहते हैं तथा इसके द्वारा ही दूसरों की आवाज़ सुनते हैं। इस वायुमंडल के ऊपर अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में ना तो इस तरह की हवा है जिसमें हम सांस ले सकें और ना चारों ओर फैला हुआ प्रकाश ही है। वहाँ सर्वत्र अंधकार है। मतलब कहा गया है कि वायुमंडल में ही हवाएं मौजूद हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। उससे ऊपर अंतरिक्ष है जहाँ सिर्फ अंधकार है। केवल सूर्य ग्रह और नक्षत्र चमकते दिखाई देते हैं। विचित्र बात है कि एक साथ ही सूर्य भी दिखाई देता है और नक्षत्र भी। ये अपेक्षाकृत बड़े भी दिखाई देते हैं और इनकी चमक भी अधिक होती है। यानी अंतरिक्ष में सूर्य और नक्षत्र ग्रह जो है वो एक साथ सभी दिखाई देते हैं और चमकीले भी अधिक दिखते हैं। यदि हम किसी तरह अंतरिक्ष में पहुंच जाएं तो हमारा शरीर का जो भाग धूप में होगा वो अत्यधिक गर्मी से जलने लगेगा और जो छाया में होगा वो शीत में जमने लगेगा, क्योंकि गर्मी और सर्दी में संतुलन स्थापित करने वाली हवा का यहाँ अभाव है। वहाँ हवा नहीं है जिसके कारण हमारा शरीर जिस भाग में होगा उस भाग का वो ताप सहेगा। अगर धूप की एयर है तो अत्यधिक गर्म अनुभव करेगा और अगर छाया की है तरफ है तो वो जमने लगेगा। हम जानते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करती है। यह गुण पृथ्वी में भी है। इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं पृथ्वी पर आ गिरती हैं। पृथ्वी में दूरी जितनी अधिक बढ़ती है गुरुत्वाकर्षण उतना ही कम होता जाता है।
यानी तीसरा बिंदु हमारा वही है कि अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण संबंधी बातें को सूक्ष्म अध्ययन करना। यहाँ लेखक जो है इसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण संबंधी बातों को सूक्ष्म अध्ययन करके ही वैज्ञानिकों ने ऐसे अंतरिक्ष यानों का निर्माण किया है जो मनुष्य को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठाकर ले जा सके। गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठाकर ले जा सके। आजकल के अंतरिक्ष यान प्रायः दो प्रकार के पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आजकल के अंतरिक्ष यान प्रायः दो या अधिक खंडों में बनाए जाते हैं। ये हमारा चौथा बिंदु है। यहाँ कहा गया है कि आजकल के अंतरिक्ष यान प्रायः दो या अधिक खंडों में बनाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में अलग अलग रॉकेट होते हैं। नीचे का रॉकेट सबसे बड़ा और शक्तिशाली होता है। वह संपूर्ण यान को कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाता है और जब उसका अपना ईंधन समाप्त हो जाता है तब वह यान से अलग हो जाता है। फिर दूसरे खंड का रॉकेट सक्रिय हो जाता है और यान को और अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। अंतरिक्ष युग का आरंभ 4 अक्टूबर 1957 में माना जाता है। कहा जाता है कि अंतरिक्ष युग का जो आरंभ है हमारा हुआ था 4 अक्टूबर 1957 को। उसी दिन रूस ने अपना सबसे पहला स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजा था जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। फिर 12 अप्रैल 1961 को पहला मानव यूरी गागारिन अंतरिक्ष में पहुंच गए। लेकिन उस समय तक भारत के पास अपना कोई ना तो रॉकेट था, ना उपग्रह और ना ही अंतरिक्ष केंद्र। यानी सबसे पहले जो मानव कहाँ अंतरिक्ष में गए उनका नाम था यूरी गागारिन, जो गए 12 अप्रैल 1961 को। भारत में 1905वां पॉइंट है, भारत में 1962 को अंतरिक्ष कार्यक्रम आरंभ हुआ था। भारत में 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम आरंभ हुआ। भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा में स्थापित किया गया है। इसके विकास में भारत को भरपूर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला है। 1968 में थुम्बा केंद्र की सेवाएं संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्पित कर दी गई। तभी से विश्व के अनेक देश इसका उपयोग करते आ रहे हैं। भारत में बने पहले रॉकेट का परीक्षण थुम्बा केंद्र से 1969 में किया गया था। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम संचालन का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को है। यहाँ से जो भी अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का संचालन होता था उस समय करते थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्हें अपने यहाँ विकसित शक्तिशाली रॉकेटों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश थी। प्रोफेसर यू आर राव और प्रोफेसर चिटनिस के सहयोग से यह स्थान खोज लिया गया। यह स्थान श्रीहरिकोटा द्वीप है। यह द्वीप आंध्र प्रदेश के सुल्लूर पेट नगर से कच्ची सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका समुद्र तट लगभग 27 किलोमीटर लंबा तथा क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पड़ता है। यहाँ पर बड़े रॉकेटों को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाई गई हैं। 1971 में डॉक्टर साराभाई की मृत्यु हो जाने पर इस केंद्र का नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया। यानी कि उनकी मृत्यु के बाद इस केंद्र का उनके नाम से रख दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं 1973 में वहाँ रोहिणी 560 रॉकेट का परीक्षण किया गया, यानी भारत ने किया था ये। 1973 में यहाँ से जिस रॉकेट का परीक्षण किया गया था उसका नाम था रोहिणी 560।
भारत के वैज्ञानिकों ने अपने बलबूते पर एक शक्तिशाली रॉकेट बना लिया जो उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देने में सामर्थ्य है। यह है SLV-3। पहली उड़ान में यह सफल ना हो सका और 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा में दूसरी बार इसे छोड़ा गया, यानी पहली बार जब इसे छोड़ा गया था तो वो सफल नहीं हो पाया था, फिर दूसरी बार उसे छोड़ा गया। यह उड़ान पूर्णतः सफल रही, यानी पहली उड़ान में यह सफल ना हो सका और 18 जुलाई 1980 को हरिकोटा से दूसरी बार इसे छोड़ा गया, यह उड़ान सफल रही। 8 मिनट के बाद ही रॉकेट ने रोहिणी उपग्रह को उनके कक्षा में स्थापित कर दिया। भारत की ये महान उपलब्धि थी। आगे लेखक कहते हैं कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से भारत में बना पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट था जिसे अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसके बाद भास्कर 1 और भास्कर 2 नामक उपग्रह बनाए गए और इन्हें सोवियत रॉकेटों से ही अंतरिक्ष में छोड़ा गया। हमारे वैज्ञानिकों ने एप्पल नामक एक संचार उपग्रह भी बनाया। इसे 36,000 किलोमीटर ऊपर की भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया। इसके पश्चात भी अंतरिक्ष में अनेक परीक्षण किए गए। भारत के श्री राकेश शर्मा ऋषि वैज्ञानिकों के साथ अंतरिक्ष भ्रमण वाले पहले प्रथम भारतीय थे। हमारे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की? श्री राकेश शर्मा। हमारे वैज्ञानिकों का उत्साह बुलंद है। वे शक्तिशाली रॉकेट तैयार करने के प्रयासों में जुटे हैं। श्रीहरिकोटा अब तक के अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बन गया है। और लेखक यहाँ कहते हैं कि हमारा जो केंद्र है वो श्रीहरिकोटा भारत का एक अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। वहाँ आज भी वैज्ञानिक उत्साहित होकर खोज करते हैं और रॉकेट बनाने तैयार करने का प्रयास में वे जुटे हुए हैं। इस तरह हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनको देख लोगे, जैसे है विस्तृत, विशाल, आकर्षित, खींचा हुआ, विविध, तरह तरह के, आलोकित यानी कि प्रकाशित, ज्योतिर्पिंड, प्रकाश का पिंड, आकृष्ट, खींचना, जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, अभाव यानी कमी, सूक्ष्म यानी बारीकी, सक्रिय, काम में लगे रहना, शक्तिशाली, ताकतवर, पूर्णतः, पूरी तरह, प्रक्षेपित, स्थापित, प्रक्षेपित का अर्थ होता है स्थापित करना, बुलंद, ऊंचाई पर, अगणित, जो गिने ना जा सके, प्रयास का अर्थ है कोशिश, अनंत काल का अर्थ है कभी समाप्त ना होने वाला समय, कौतूहल का अर्थ है जानने की इच्छा और गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति। यहाँ कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं जो तुम लोग वीडियो को सुनकर फिर उसको बनाओगे। प्रश्न यहाँ 10 प्रश्न दिए गए हैं और वीडियो सुनोगे और फिर उसको बनाओगे और फिर उसका आंसर मुझे भेजोगे। मुझे आशा है कि ये पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।